हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। हम लोग क्या पढ़ रहे थे, थर्मोडायनेमिक की कंटिन्यूस सीरीज चल रही है। आज हम फिफ्थ लेक्चर की बात करेंगे और फिफ्थ लेक्चर में आज पढ़ेंगे क्या, ये छोटा सा टॉपिक है, रिवर्सिबल प्रोसेस एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। ये छोटा सा जरूर टॉपिक है लेकिन बहुत से लोगों को समझ में नहीं आता, क्लियर नहीं होता, लेकिन आज हम इसको अच्छे से क्लियर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ध्यान दीजिएगा, रिवर्सिबल प्रोसेस, नाम से लग रहा है रिवर्सिबल, मतलब जो प्रोसेस रिवर्स होता हो। इरिवर्सिबल प्रोसेस, जो प्रोसेस रिवर्स नहीं होता हो। अब इसको और अच्छे से देखते हैं। चलिए इसको हम विथ एग्जाम्पल से, एग्जाम्पल के थ्रू आपको एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल से बता रहे हैं। सपोज कीजिए एक सिस्टम है, सिस्टम का मतलब मान लीजिए पिस्टन लगा हुआ है सिलेंडर, ये देखिए, एक सिस्टम हो गया, पिस्टन लगा हुआ सिलेंडर हो गया। अब पहले हम बात करेंगे रिवर्सिबल प्रोसेस का। देखिए यहाँ पर सपोज करें गैस भरी है, यहाँ पर गैस फिल्ड है, अगर ये पिस्टन यहाँ पर रुका हुआ, इसका मतलब बाहर का जो प्रेशर है, एक्सटर्नल प्रेशर या फोर्स, जो बाहर का प्रेशर है और जो अंदर गैस प्रेशर लगा रहा है, प्रेशर इंटरनल आयन लिख रहा हूँ, ये दोनों क्या है, इक्वल है, तभी पिस्टन यहाँ पर रुका हुआ है। अगर सपोज कीजिए, मैं आपको रिवर्सल प्रोसेस की बात कर रहा हूँ, सपोज कीजिए हमने यहाँ एक छोटा सा फनल लगा दिया, फनल लगा दिया और यहाँ पर हमने सैंड भर दी, सैंड भर दी। अब इसको तो खोलते हैं, धीरे धीरे सैंड, बहुत ही धीरे धीरे सैंड इस पर गिर रही है, बहुत ही धीरे धीरे सैंड अगर इस पर गिरेगी तो ये अभी कहाँ पर है, अभी मान लेते ये V1 पर है, धीरे धीरे क्या करेगा, ये बहुत ही स्लोली स्लोली नीचे आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, बहुत ही स्लोली स्लोली आएगा। आप ऐसे खड़े होकर देखोगे आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन ये बहुत ही स्लोली धीरे धीरे क्या आ रहा है नीचे। हाँ, हम मान को 4 घंटे बाद आके देख रहे हैं, तब सपोज कीजिए ये यहाँ पर आ गया, कुछ और टाइम बहुत 8 घंटे बाद आए थे यहाँ पर आया, कहने का मतलब बहुत ही स्लोली स्लोली आ रहा है, बात समझ में आ रही है। इसी को बोलते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस। अब अच्छे समझते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस को। और पहली बात तो रिवर्सिबल प्रोसेस का जो इंटरनल प्रेशर है वो एक्सटर्नल प्रेशर के लगभग इक्वल होता है, नियर अबाउट इक्वल होता है। एक्सटर्नल प्रेशर एंड इंटरनल प्रेशर क्या होते हैं, लगभग इक्वल होते हैं, लगभग मैं बोला हूँ, नियर अबाउट, ना कि एकदम एग्जैक्टली इक्वल होते हैं। हाँ, रिवर्सिबल प्रोसेस को और क्या बोलते हैं, दूसरा पॉइंट देखिए, रिवर्सिबल प्रोसेस को बोलते हैं क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। क्वासी स्टैटिक मीन्स क्या होता है, ये स्टैटिक की तरह दिखता है बट स्टैटिक होता नहीं है। हम खड़े होकर देख रहे हैं, हमको ये नीचे आते हुए दिख नहीं रहा है, मतलब मुझे क्या दिखाई देता है, मुझे क्या लगेगा कि ये स्टैटिक है, बट एक्चुअल में स्टैटिक नहीं होता है, इसी को बोलते हैं क्वासी स्टैटिक। आई होप क्लियर हो गया होगा। आप देख रहे हैं यहाँ से यहाँ आने में ये बहुत ही बहुत टाइम लगेगा, मतलब इसका प्रोसेस कैसा होता है, ये स्लो प्रोसेस होता है। रिवर्सल प्रोसेस कैसा होता है, स्लो होता है, ठीक है ना। हाँ, अब ड्राइविंग फोर्स क्या होते हैं, अपर अपोजिंग फोर्स क्या, अब मान लीजिए यहाँ पर जो प्रेशर लग रहा है इसको क्या बोलेंगे, ड्राइविंग फोर्स, ड्राइविंग फोर्स, ये ड्राइविंग फोर्स है, और जो ये अंदर इसका अपोज कर रहा है इस फोर्स का, वो कौन सा फोर्स है, अपोजिंग फोर्स, अपोजिंग फोर्स, ठीक है ना, ये अपोजिंग फोर्स हो गया। देखिए इसका एक और प्रॉपर्टी देखिए, कैरेक्टरिस्टिक देखिए, डिफरेंस बिटवीन ड्राइविंग फोर्स, जो बाहर फोर्स लगता है, एंड अपोजिंग फोर्स इज वेरी स्मॉल। ड्राइविंग फोर्स और अपोजिंग फोर्स में जो डिफरेंस होता है वो बहुत ही कम होता है। अच्छा चलिए समझ गए होंगे, इट्स डायरेक्शन कैन बी रिवर्स बाई मेकिंग स्मॉल चेंज इन ड्राइविंग फोर्स एंड अपोजिंग फोर्स। कहने का मतलब इस पॉइंट को अच्छे समझिए, क्या कर सकते हैं, यह रिवर्स प्रोसेस हो सकता है। जैसे सपोज कीजिए यहाँ तक आया, यहाँ पर आ गया, इनिशियल स्टेट था, यहाँ पर आया काफ़ी टाइम बाद, फिर अगर हम मिट्टी यहाँ से ये जो सैंड है इसको हटा देंगे तो ये ऊपर कहाँ कहाँ चल जाएगा, ऊपर की तरफ जाना शुरू कर देगा। कहने का मतलब रिवर्स प्रोसेस हो जाएगा, ये अगर हमने यहाँ से मिट्टी हटाते गए, सैंड हटाते गए, ये प्रोसेस कैसा हो गया, रिवर्स हो गया, ऊपर जाने लगेगा। तो वही बोल रहा है, इट्स डायरेक्शन कैन बी रिवर्स्ड, इसका डायरेक्शन रिवर्स हो सकता है बाई मेकिंग स्मॉल चेंज इन ड्राइविंग फोर्स और अपोजिंग फोर्स। ये जो ड्राइविंग फोर्स या अपोजिंग फोर्स में थोड़ा सा चेंज करके हम प्रोसेस को क्या कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं। ये आपके रिवर्स क्या हो गए, रिवर्सिबल प्रोसेस हो गए।
अब आते हैं इरिवर्सिबल प्रोसेस। इरिवर्सिबल प्रोसेस को देखिए, चलिए यहाँ पर हमने एक सिस्टम बनाया, मतलब पिस्टन लगा हुआ सिलेंडर बनाया। देखिए ये पिस्टन लगा हुआ सिलेंडर हो गया, अब पिस्टन लगा हुआ सिलेंडर हो गया, यहाँ पर पी एक्सटर्नल पी इंटरनल, ध्यान दीजिए। सपोज कीजिए यहाँ पर मैं एक बड़ा सा पत्थर 2 किलो का यहाँ रख दूँ, ये अभी इसका वी वन है। सडनली ये इनिशियल स्टेट से यहाँ पर आ जाएगा, तुरंत फाइनल स्टेट पर अपने आ जाएगा, मान लेते हैं वी टू पर आ गया। जैसे ही हमने बड़ा सा पत्थर रखा, ये इनिशियल से कहाँ जाएगा, फाइनल स्टेट पर आ जाएगा। यहाँ से यहाँ आने में इसको टाइम नहीं लगेगा, बहुत ही क्विकली आएगा, बहुत ही फास्ट आएगा। तो कहने का मतलब पी इंटरनल और पी एक्सटर्नल, पहली बात तो यहाँ इक्वल नहीं होते, वहाँ पर क्या होता है पी इंटरनल और पी एक्सटर्नल प्रेशर और इंटरनल प्रेशर बराबर थे, यहाँ पर एक्सटर्नल प्रेशर और इंटरनल प्रेशर बराबर नहीं होते, काफ़ी डिफरेंस होता है। वो स्लो प्रोसेस था, ये कैसा प्रोसेस होता है, फास्ट प्रोसेस होता है। अगर ये एग्जाम्पल दिमाग में रखेंगे तो बहुत आसानी से सारे पॉइंट क्लियर हो जाएंगे, बस इतने पॉइंट को आपको याद कर लेना रिवर्सल प्रोसेस के लिए, ये याद कर लेंगे तो रटना नहीं पड़ेगा आपको। देखिए वो क्या था, ड्राइविंग फोर्स और अपोजिंग फोर्स क्या था, डिफरेंस क्या था, बहुत ही स्मॉल था। यहाँ पर क्या होगा, ड्राइविंग फोर्स और अपोजिंग फोर्स में जो डिफरेंस है वो बहुत ही लार्ज होता है, लार्ज डिफरेंस होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए, डायरेक्शन कैन नॉट बी रिवर्स, वहाँ पर आपने पढ़ा डायरेक्शन कैन बी रिवर्स बाई चेंजिंग बाई मेकिंग स्मॉल चेंज इन ड्राइविंग फोर्स और अपोजिंग फोर्स। यहाँ पर क्या है, डायरेक्शन कैन नॉट बी रिवर्स बाई मेकिंग स्मॉल चेंज इन ड्राइविंग फोर्स और अपोजिंग फोर्स। कहने का मतलब हम इसको क्या कर सकते हैं, रिवर्स नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि ये यहाँ पर बीच में हम रोक लें इसको, यहाँ से फिर रिवर्स कर दें यहाँ। अगर ये इनिशियल था फिर कहाँ मिलने वाला है, फाइनल स्टेट मिलने वाला है। यह बीच से हम इसको रिवर्स नहीं कर सकते कि यहाँ पर आया, यहाँ पर तो रुक ही नहीं पाएगा, तुरंत यहाँ से यहाँ डायरेक्ट आ जाएगा। कहने का मतलब इसको हम कहीं बीच इस पॉइंट से या इस पॉइंट से रिवर्स नहीं कर सकते। ओके ठीक है, इतने पॉइंट्स को आप नोट कर लीजिए, 2 पॉइंट और हैं, इसके बाद हम आपको बता देते, ध्यान दीजिए। 2 प्रॉपर्टीज इसके और देखेंगे रिवर्सल प्रोसेस के, पहले इसके बाद क्या है, सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम विथ सराउंडिंग थ्रू द प्रोसेस। इसका मतलब क्या है, कह रहा है कि जो रिवर्सिबल प्रोसेस में कहीं पर जैसे यहाँ से चलना शुरू किया, यहाँ इस पॉइंट को ले लो, इस पॉइंट को ले लो, इस पॉइंट को ले लो, किसी भी पॉइंट को ले लो, हर पॉइंट पर ये इक्विलिब्रियम पर रहता है, हर पॉइंट पर ये इक्विलिब्रियम पर रहता है, यही बता रहा है। सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम विथ सराउंडिंग थ्रू द प्रोसेस, पूरे प्रोसेस के दौरान कहीं किसी भी पॉइंट पर ले लो, यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, हर पॉइंट पर कहाँ रहता है, इक्विलिब्रियम पर रहता है। जबकि हम बात करें इरिवर्सिबल प्रोसेस में, हाँ सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम ओनली एट इनिशियल एंड फाइनल स्टेट। कहने का मतलब या तो ये इक्विलिब्रियम पर रहेगा तो या ये इनिशियल स्टेट है, सपोज कीजिए यहाँ पर इक्विलिब्रियम रहेगा या फिर फाइनल स्टेट पर इक्विलिब्रियम रहेगा। ऐसा नहीं कि बीच कहीं पर, यहाँ पर, यहाँ पर, कहीं पर भी इक्विलिब्रियम होगा। यहाँ पर इक्विलिब्रियम होता है ओनली इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट पर होता है। ये पॉइंट भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं लास्ट पॉइंट इसका, थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज लाइक टेम्परेचर प्रेशर आर डिफाइंड एट ऑल स्टेट। रिवर्सिबल प्रोसेस में जो थर्मोडायनेमिक की जो प्रॉपर्टी जैसे टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, इनको हम किसी भी पॉइंट पर डिफाइन कर सकते हैं। इस पॉइंट पर ले लो, इस पॉइंट पर ले लो, इस पॉइंट, किसी भी पॉइंट पर हम क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन इरिवर्सिबल प्रोसेस की बात करें तो इरिवर्सिबल प्रोसेस में ये कहाँ पर डिफाइन किया जा सकता है, ओनली इनिशियल स्टेट पर डिफाइन किया जा सकता है या फाइनल स्टेट पर डिफाइन किया जा सकता है। तो ये हो गया आपके रिवर्सिबल प्रोसेस और इरिवर्सिबल प्रोसेस। हाँ, इसको हम आपको थोड़ा सा और समझाएंगे कि रिवर्सिबल प्रोसेस को वर्क और हीट के टर्म में आपको इसको और थोड़ा सा समझाएंगे। देख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए रिवर्सिबल प्रोसेस के वर्क के बी ऑफ पॉइंट से समझते हैं। देखिए हमने क्या लिया, एक सिस्टम हो गया। आप जानते हैं इस रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए क्या होता है, पी एक्सटर्नल, एक्सटर्नल प्रेशर इक्वल होता है किसके, पी इंटरनल प्रेशर के इक्वल होता है। सपोज कीजिए बाहर का जो प्रेशर लग रहा है वो 5 atm है और यहाँ पर अंदर का भी प्रेशर कितना है, 5 atm, लेकिन हम अंदर के प्रेशर में थोड़ा सा क्या कर दे रहे हैं, हल्का सा चेंज कर दे रहे हैं, इंक्रीमेंट कर दे रहे हैं। मान लीजिए पी प्लस यहाँ पर डी पी स्मॉल चेंज कर दिया, मान के चलिए अंदर का प्रेशर कितना था, 5 atm, और इसमें हमने इंक्रीमेंट कर दिया अंदर के प्रेशर में, कितना कर दिया, 5 अंदर का था, 5 + 0.005 atm प्रेशर इंक्रीमेंट कर दिया, तो टोटल कितना हो जाएगा, ये
5.005, ये क्या होगा, ये इक्वल होगा कि नहीं लगभग बाहर के प्रेशर का 518 के इक्वल होगा। तो देख रहे हैं यार बहुत ही थोड़ा सा इंक्रीमेंट करते हैं, ये देखिए। तो इन दोनों के वैल्यू में वो कोई खास ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है, इसी को बोलते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस और वर्क के व्यू ऑफ पॉइंट से हम इसको समझ रहे हैं। हाँ, इससे क्या होगा, इससे आपका अगर यहाँ का प्रेशर ज़्यादा एक्सपेंशन होगा रिवर्सिबल प्रोसेस के थ्रू, क्या होगा यहाँ पर एक्सपेंशन, यहाँ पर इस चीज़ को हम और आगे वर्क में जब अच्छे से पढ़ेंगे। तो हाँ, यहाँ इसकी वजह से यहाँ का प्रेशर स्लाइटली ज़्यादा है तो धीरे धीरे एक्सपेंस करेगा, एक्सपेंशन का प्रोसेस ही होगा। अच्छा, अगर हम इसको ऐसे समझें, ये देखिए सिस्टम क्या होगा, बाहर का प्रेशर वही 5 ATM है, अंदर के प्रेशर हम क्या करते हैं पी, थोड़ा सा चेंज कर पी माइनस डीपी, मतलब हम इसमें चेंज कितना कर दे रहे हैं, 0.005 का डिक्रीमेंट कर दे रहे हैं, तो कितना आएगा 5 माइनस 0.005, ये भी तो नियर एक्सटर्नल प्रेशर के क्या होगा लगभग इक्वल ही होगा, 5 माइनस 0.05 बहुत ही ना के बराबर चेंजिंग आएगी। इसकी वजह से क्या होगा यहाँ पर, इसकी वजह से यहाँ होगा कंप्रेशन, इसकी वजह से यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा कंप्रेशन हो जाएगा। तो ये वर्क के बीओ पॉइंट से आपको थोड़ा बहुत समझ में आएगा, क्योंकि जो इसमें चेंज करते हैं ना इस्तेमाल, इसमें बहुत ज़्यादा फर्क इससे नहीं पड़ता, यही रिवर्सिबल प्रोसेस है। हाँ, अब हम हीट के बीओ पॉइंट से भी समझ लेते हैं, इसको नोट कर लीजिए। हीट पॉइंट ऑफ व्यू, हीट पॉइंट ऑफ व्यू, अब इसको हम हीट पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे। सपोज कीजिए सिस्टम है, बाहर आपका क्या सराउंडिंग, बात लेते हैं बाहर का टेम्परेचर कितना है 25 डिग्री सेल्सियस, अंदर का भी टेम्परेचर, अंदर का हम बात करें तो यहाँ पर टी प्लस डेल्टा टी ले लेते हैं, बहुत ही थोड़ा सा इंक्रीमेंट करना है। मान लीजिए अंदर का भी टेम्परेचर कितना था 25 था और उसमें हमने इंक्रीमेंट कितना कर दिया 0.005, तो कितना हो जाएगा 25.005। अब देखिए इन दोनों के टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है नहीं, 25 डिग्री सेल्सियस और 25.005 डिग्री सेल्सियस बहुत ज़्यादा डिफरेंस आएगा नहीं। हाँ, लेकिन इसकी वजह से हीट कहाँ निकलेगा, हीट आपका बाहर, आपका जो हीट का ट्रांसफर किधर से होगा, यहाँ से यहाँ, क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर क्या है कम, यहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा है। इसी तरीके से हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, ये देखिए सिस्टम बाहर सराउंडिंग, यहाँ क्या लिख सकते हैं टी माइनस डीटी, हम कितना कम कर दिए 25 था इसका टेम्परेचर बाहर, तो बाहर का टेम्परेचर भी कितना 25 डिग्री सेल्सियस है, माइनस 0.005, ये भी क्या होगा लगभग इक्वल होगा 25 डिग्री सेल्सियस की। हाँ, इसकी वजह से यहाँ पर कौन सा प्रोसेस होगा, हीट अंदर इंटर करेगी, यहाँ पर हीट क्या कर रहे थे बाहर निकल रहा था, यहाँ हीट क्या करेगा अंदर इंटर करेगा। इस तरीके से आप रिवर्सल प्रोसेस और इरिवर्सल प्रोसेस को आसानी से समझ सकते हैं। हमने वर्क पॉइंट ऑफ व्यू से आपको समझा दिया, हीट पॉइंट ऑफ व्यू से आपको अच्छे से समझा दिया। अब आगे हम पढ़ेंगे वर्क और हीट के बारे में। तो अगला वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया हो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।